धन्यवाद माननीय महोदय, उपसभापति महोदय। मैं इस महत्वपूर्ण बिल के लिए माननीय वड़ाप्रधान नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल लाने के लिए हमारी सरकार के मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल के अंदर जो पहले के सरकारें जो थी और जिस तरह खदानों का व्यापार करती थी, 2014 से पहले जिस तरह खदानों का जो व्यापार किया गया था, 2010 की बात करूंगा माननीय उपसभापति महोदय, कि उस टाइम करीब करीब 62 खदानों का जो व्यापार जो किया था पिछली सरकारों ने, कांग्रेस ने, उन्होंने पर्टिकुलरली विषय पर बोलिए, वही बोल रहा हूं सर, उसके विषय पर पर्टिकुलरली जिन सरकारों ने किया था वो खदानों को अवैध तरीके से दी गई थी और नियम भी उस टाइम बनाए गए थे, उनको बुला बुला के एक कंपनी को जो एक व्यक्ति को पांच कंपनियां जो थी उनको अलग अलग कंपनियां बना के व्यक्ति एक ही मालिक था उनको दी गई थी। और पूरे भारत के अंदर ये देखेंगे कि घोटाले का काम, अब रूपाला जी मना कर रहे हैं तो भी बोलिए थोड़ा, बिल पर वही जो कांग्रेस ने घोटाला किया था बिल पर, तो उसके आज की तारीख के अंदर सर आप रूल जानते हैं, वही सर तहत विषय पर बोलेंगे वही बातें रिकॉर्ड में जाएगी, वही रिकॉर्ड में जाएंगे प्लीज सर। उसके अंदर जब कोयले का आज की तारीख के अंदर हम करीब करीब कोयला बाहर से आयात करते हैं और माननीय मंत्री जी जो ये बिल लाए हैं उसके अंदर कोयला जो है, जो कोयला हमारे देश में दुनिया के चौथे नंबर पे, आज चारवें नंबर पे इतना हमारे पास आपात पर्याप्त है, होने के बावजूद भी पुरानी सरकारें इस पे ध्यान और संज्ञान में नहीं लिया। उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊंगा सर कि हमारे पास ये जो खजाना है, जो सोने का करीब करीब 501 टन का हमारे पास जो हमारे पास आज रिजर्व पड़ा हुआ है और हमारा हर सालाना 1000 टन हम लोग विदेश से, बाहर से आयात सोना खरीदते हैं, इस तरह की हमारे पास काफी सारी धरोहर पड़ी हुई है। इसके साथ साथ पोटेशियम, लिथियम, प्लेटिनियम, टाइटेनियम, ऐसी अलग अलग प्रकार की जो इन्होंने पिछली सरकारों ने इसको रिजर्व करके इसको बैंड किया हुआ था, जिससे आज की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय प्रहलाद जोशी जी ने इस जो बैंड था उसको आज निकास, मतलब उसको निकालने के लिए उसके उन्होंने परमिशन देने का आज इस रूल्स के माध्यम से आज आने वाले वक्त में होने वाला है, जिसमें हम आने वाले वक्त के अंदर हमारी जो चीज़ें हैं, जो चाहे बैटरी हो, बैटरी से चलने वाली रिक्शाएं हो, कारें हो, हवाई जहाज भी, ऐसी कई चीज़ें हम अंतरिक्ष तक भी लेके जा सकते हैं। और ये जो धरोहर है, हमारी जो धरोहर है, क्योंकि आज हमारा पैसा बाहर जा रहा है, वो जो ये जो भी चीज़ें पोटेशियम हो या लिथियम बैटरी से चलने वाले जितने भी व्हीकल हो या जो भी, वो हमारे काम में आने वाले वक्त में आ सकते हैं। इसके माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले वक्त के अंदर हमारे भारत को बूस्ट, मतलब प्रगति की ओर ले जाने वाला है। और जिस तरह आने वाले वक्त के अंदर हम विश्व फलक पे देश को, भारत देश को प्रस्थापित करने वाले, मैं तो चाहता था कि सामने वाला सदन रहे और सुने कि उन्होंने पिछले कितने घोटाले किए, और जनता भी देख रही है, मुझे भी देख रही होगी, तो मालूम पड़े कि कांग्रेस ने कितना घोटाला किया है। इसके धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।